नमस्कार दोस्तों, डीके थ्रीडी होम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं आपके लिए नए नए प्लान्स, नए नए डिज़ाइन और उसी के साथ साथ में होम डिज़ाइन के बारे में लगभग हर तरह की जानकारी इस चैनल पर लाने की कोशिश करता हूँ। तो स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, एक ग्राउंड फ्लोर का प्लान है और यह ग्राउंड फ्लोर का डिज़ाइन है, इसका मैप भी हमने बनाया था। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यहाँ पर जो है, इस ग्राउंड फ्लोर का जो डिज़ाइन हमने बनाया था, वो ग्राउंड फ्लोर का डिज़ाइन मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा। उसके बाद में ये जो डिज़ाइन है, इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, मतलब यहाँ पर जो है कुछ बालकनी बढ़ाई थी। तो ये एक बालकनी बढ़ाने के बाद ये डिज़ाइन किस टाइप में दिखता है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद में इसका फर्स्ट फ्लोर का प्लान जो है, मतलब ऊपर भी एक मंजिल हम बनाते हैं, तो ये डिज़ाइन कैसे दिखेगा और किस टाइप में हमने डिज़ाइन बनाया था, वो डिज़ाइन भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद में उसका ग्राउंड फ्लोर का प्लान मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आपको पूरे डायमेंशंस क्लियर हो जाए। उसके बाद में उसका फर्स्ट फ्लोर का प्लान भी मैं आपको समझने वाला हूँ। तो लास्ट तक पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो से, इस प्लान से आपको कुछ आइडिया आए। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर का डिज़ाइन जो है हमने बनाया था। अब इसका मैप जो है आपको बाद में समझाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर का डिज़ाइन डिज़ाइन बनाया है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड में रोड है और इस साइड में रोड है, मतलब ये कॉर्नर हाउस प्लान है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमने काफ़ी ब्यूटीफुल और एक सुंदर सा एक डिज़ाइन बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेयरकेस का जो टावर है, यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया सा डिज़ाइन दिया है। यहाँ पर जो विंडोज़ थे, विंडोज़ के ऊपर भी आप देख सकते हैं अलग टाइप का सिंपल सा डिज़ाइन हमने दिया है। यहाँ पर जो हमारा मेन गेट है, और उसके बाद में यहाँ पर जो है बाउंड्री वॉल जो है, इसको भी काफ़ी बढ़िया और बनाया है। उसके बाद में आपका इस कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर जो है हमने पूरी एक गैलरी बढ़ाई थी, मतलब यहाँ पर हमने बालकनी बढ़ाई थी। तो उसके बाद में वो डिज़ाइन किस टाइप में दिखता है, वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है, ये पूरा बालकनी हमने बढ़ाया है। अब ये कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने पूरा बालकनी बढ़ाया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विंडोज़ के ऊपर का जो डिज़ाइन है, वो भी लगभग चेंज किया गया है। उसके बाद में यहाँ पर नॉमिनल कुछ चेंजेस किए गए हैं, वो वीडियो को आराम से पॉज करके आप देख सकते हैं। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी हमने चेंज किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर का प्लान था जो पहले जो हमने बनाया था, ग्राउंड फ्लोर का ये सिंपल सा डिज़ाइन था। उसके बाद में फर्स्ट फ्लोर का जो डिज़ाइन है, इसमें बालकनी बढ़ा है, तो इस टाइप में ये पूरा डिज़ाइन दिख रहा है। अब इसका फर्स्ट फ्लोर का डिज़ाइन हम बनाते हैं, मतलब ऊपर की मंजिल का भी अगर डिज़ाइन हम बनाते हैं, तो किस टाइप में हमने पूरा डिज़ाइन बनाया था, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा डिज़ाइन जो है चेंज हो गया है। यहाँ पर जो है पूरा बालकनी बढ़ा है, मतलब यहाँ पर पोर्च बढ़ा है, और यहाँ पर इस टाइप में पूरा डिज़ाइन हमने बनाया है। आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन सा एक डिज़ाइन बनाया है। उसके बाद में यहाँ पर लगभग ये पूरा का पूरा डिज़ाइन, यहाँ का पूरा पैटर्न जो है पूरा चेंज हो गया है। यहाँ पर जो है पूरा बालकनी बढ़ा है। अब ये प्लान में आपको समझ में आ जाएगा ये बालकनी किस रूम का है। उसके बाद में पीछे एक साइड में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बालकनी दिया गया है, ये भी किस रूम का है, आपको प्लान में समझ में आ जाएगा। तो इस टाइप में ये पूरा डिज़ाइन बनाया था, मतलब ग्राउंड फ्लोर का डिज़ाइन हमने बनाया था सबसे पहले। उसके बाद में उसमें गैलरीज बढ़ाई थी। उसके बाद में उसका फर्स्ट फ्लोर का जो डिज़ाइन बढ़ाने के बाद, वो डिज़ाइन जो है इस टाइप में हमने बनाया था। अब इसका मैप जो है, मतलब इसका नक्शा जो है किस टाइप में हमने बनाया था, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं इसका ग्राउंड फ्लोर का प्लान। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने रोड लिखा है, इस साइड में भी रोड है, यहाँ पर हमने मेन गेट बताया है। जैसे कि हमने 3D में आपको बताया था डिज़ाइन में, यहाँ पर हमारा मेन गेट रहेगा, यहाँ से हमारी एंट्री होती है, तो यहाँ पर पार्किंग के लिए जगह मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 14 फीट 10 इंच जो है लेंथ में पार्किंग के लिए जगह मिलती है। उसके बाद में विड्थ जो है हमारी 12 फीट 3 इंच है, लेकिन इसमें जो है स्टेयरकेस भी दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीढ़ी जो हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो इससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 फीट का ऑफसेट छोड़ा गया है, यहाँ से हम चढ़ेंगे इस वरंडे पर और यहाँ से हमारी सीढ़ी स्टार्ट होती है। तो यहाँ से हमने स्टेयर स्टार्ट किया है, उसके बाद में टर्न करके फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर जो हमारा मेन डोर रहेगा लिविंग रूम का, उसके बाद में यहाँ पर एक छोटा सा गेस्ट रूम दिया है। अब इसे हम गेस्ट रूम भी कर सकते हैं, या तो हमारे हिसाब से हम इस रूम को इस्तेमाल कर सकते हैं, एक छोटा सा ऑफिस भी हम बना सकते हैं घर के हिसाब से। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका साइज जो है 13 फीट 6 इंच बाय 8 फीट का दिया गया है। और यहाँ पर विंडोज़ पीछे साइड में, क्योंकि पीछे साइड में भी 2 फीट का जगह छोड़ी है अंदर अंदर, तो यहाँ पर जो है यहाँ से इस गेस्ट रूम को वेंटिलेशन मिलेगा। यहाँ पर भी एक विंडोज बताया है। उसके बाद में आगे बढ़ते देखिए, यहाँ पर जो है हमारा मेन डोर रहेगा, यहाँ से एंट्री करते हैं तो हमें लिविंग रूम का साइज मिल रहा है। अब 13 फीट 6 इंच बाय 12 फीट का हमारा लिविंग रूम का साइज हमें मिलता है, मतलब 13.5 फीट बाय 12 फीट का। अब वीडियो को थोड़ा सा फास्ट में लेता हूँ, ताकि आपका ज़्यादा समय खराब ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेडरूम है, एक 12 फीट बाय 11 फीट का एक बेडरूम दिया गया है, और इसे जो है विंडो इस साइड में दिया गया है, क्योंकि इस साइड में भी लगभग 4 फीट का ऑफसेट छोड़ा है अंदर अंदर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कॉमन टॉयलेट
बाथरूम दिया गया है लगभग 7 फीट बाय 4 फीट का, उसके बाद में 4 फीट बाय 3 फीट का एक छोटा सा टॉयलेट दिया गया है। अब ये जो है कॉमनली यूज किया जाएगा, मतलब यहाँ से लिविंग रूम से हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, किसी की प्राइवेसी हमें डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते देखिए यहाँ पर आपको एक सिंक नजर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर जो है हम बेसिन लगा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर पूरा डाइनिंग का एरिया है, यहाँ पर 5 फीट 2 इंच की जगह बच रही है हमें जो इस साइड में जाने के लिए दिया है। ये डाइनिंग का एरिया जो है लगभग 11 फीट 2 इंच बाय 9 फीट 8 इंच का हमें मिलता है, मतलब काफी बड़ा स्पेस हमें मिल रहा है। और यहाँ पर एक विंडो दे दिया गया है। उसके बाद में आगे बढ़ते देखिए यहाँ पर आपको एक मास्टर बेडरूम नजर आ जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर किचन नजर आ जाएगा। तो ये जो मास्टर बेडरूम है इसका साइज है 12 फीट बाय 12 फीट 6 इंच का, और उसके यहाँ पर अंदर एक अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया है लगभग 4 फीट बाय 7 फीट का, उसके बाद में 4 फीट बाय 5 फीट 2 इंच का यहाँ पर ड्रेसिंग भी एडजस्ट किया गया है, मतलब काफी बड़ा स्पेस हमें यहाँ पर मिल रहा है। और उसके बाद में यहाँ पर एक विंडो दिया गया है, क्योंकि पीछे की साइड में भी आप देख सकते हैं लगभग 3 फीट 4 इंच की जगह छोड़ी गई है, ठीक है। और यहाँ पर अब जो है किचन डाइनिंग में से हम किचन में एंट्री कर सकते हैं, 11 फीट 2 इंच बाय 8 फीट का हमारा किचन का साइज हमें मिल रहा है, मतलब किचन का साइज भी काफी बढ़िया है क्योंकि डाइनिंग का एरिया जो है सेपरेटली दिया गया है। उसके बाद में किचन को आप देख सकते हैं पीछे की साइड में एक डोर दिया है इस वॉश एरिया को यूज करने के लिए। तो आप देख सकते हैं पूरा ग्राउंड फ्लोर का प्लान था 36 फीट बाय 46 फीट 2 इंच जो है पूरा प्लॉट का साइज था जिसमें यह प्लान हमने बिताया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, इसको थोड़ा सा जूम आउट करके बताता हूँ ताकि इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सके और इसका रोटेट भी करता हूँ ताकि स्क्रीनशॉट जो है क्लियर आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, इसके बाद में हम फर्स्ट फ्लोर का प्लान देखने वाले किस टाइप में हमने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर पर जो है लगभग 3 बेडरूम बताया गया है, उसके बाद में लिविंग रूम डाइनिंग किचन पार्किंग के लिए काफी बड़ा स्पेस, और स्टेयर के बाहर से दिया गया है ताकि ऊपर का फ्लोर जो है आपको रेंट के हिसाब से मतलब किराए के हिसाब से देना हो तो कोई दिक्कत ना हो। तो आगे बढ़ते थे और फर्स्ट फ्लोर का प्लान देखते हैं किस टाइप में बना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर का प्लान है, मतलब ग्राउंड फ्लोर से हमारी एंट्री यहाँ पर इस पोर्च पर होने वाली है, 8 फीट 9 इंच बाय यहाँ से 29 फीट 4 इंच की हमें जगह मिलती है यहाँ पर पूरी बालकनी। उसके बाद में यहाँ पर आपको बेडरूम नजर आ रहा है 13.5 फीट बाय 11 फीट का, और इसे जो है यहाँ पर एक डोर बताया है। आगे बढ़ते देखिए यहाँ पर हमारा लिविंग रूम है, मेन डोर बताया गया है यहाँ पर लिविंग रूम का 14 फीट बाय 11 फीट का इस लिविंग रूम का साइज दिया गया है। उसके बाद में आगे बढ़ते देखिए यहाँ पर एक स्टोर रूम दिया है 9 फीट 2 इंच बाय 4 फीट 6 इंच का, और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमन टॉयलेट बाथरूम दिया है, बाथरूम जो है 7.5 फीट बाय 4 फीट का, टॉयलेट जो है 4 फीट बाय 3 फीट का दिया है, ठीक है। यहाँ पर एक डोर लगा देंगे तो इसकी जो है ये पूरा टॉयलेट बाथरूम जो है हाइड हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली नजर नहीं आएगा, तो प्राइवेसी के हिसाब से वो काफी बढ़िया रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डोर बताया गया है, यहाँ पर एक विंडो बताया है, और यहाँ पर एक 4 फीट वाइड की बालकनी बताई है। तो यहाँ पर हमने 3D एलिवेशन में आपको बताया था यहाँ पर जो बालकनी दिया गया है, तो ये यहाँ से इसकी एंट्री होती है। आगे बढ़ते देखिए यहाँ पर मास्टर बेडरूम बताया गया है 12 फीट बाय 12 फीट 6 इंच का, और सेम अटैच वाला बाथरूम बताया जैसे कि नीचे हमने बताया था। यहाँ पर ड्रेसिंग दिया है लगभग 6 फीट बाय 4 फीट का, मतलब बड़ा दिया गया है, और 4 फीट बाय 7 फीट का एक अटैच वाला बाथरूम। और यहाँ पर किचन दिया है 11 फीट 2 इंच बाय 10 फीट का, और किचन को आप देख सकते हैं पीछे साइड में वॉश एरिया के लिए यहाँ पर एक बालकनी दिया है। तो ये जो है 3D एलिवेशन में आपको बताया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किचन का बालकनी दिया गया है, और जो विंडो है यहाँ पर फ्रंट साइड में दिया गया है। तो इस टाइप में ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान था, मतलब ऊपर की मंजिल का प्लान था। ये किराए के हिसाब से भी दे सकते हैं या तो दूसरी फैमिली भी यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कुल मिलाकर हमने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का प्लान बताया है, उसके बाद में ग्राउंड फ्लोर का एक डिजाइन भी बताया है, उसके बाद में ग्राउंड फ्लोर के डिजाइन में गैलरी बढ़ाने के बाद किस टाइप में डिजाइन दिखता है तो वो भी हमने बताया है, उसके बाद में फर्स्ट फ्लोर का प्लान बढ़ाने के बाद फर्स्ट फ्लोर का डिजाइन बढ़ाने के बाद वो डिजाइन किस टाइप में दिखता है वो भी हमने बताया है। तो आशा करते हो आज का जो पूरा वीडियो है आपको डिटेल में समझ में आया और पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है या आपको लगता है इस वीडियो से किसी का फायदा हो सकता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, और पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में और भी हजारों प्लान्स और डिजाइन इस चैनल पर आने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।